आपका न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, सोनभद्र से आ रही है। नशे में जलती होलिका में कूदा एक शख्स, आग की वजह से किसी ने जान उसकी नहीं बचाई। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हालांकि घूरवाल इलाका ये बताया जा रहा है, जो कि फुलवारी जो मेन जगह है वो घूरवाली इलाके के फुलवारी गांव की घटना है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोल घेरे में इस शख्स को आप देख सकते हैं, जो बताया जा रहा है कि शख्स नशे में धुत था और उसके बाद जब होलिका दहन हो रहा था उसी दौरान ये शख्स जाकर भागते हुए उस आग में यानी कि जलती हुई होलिका में दाखिल हो जाता और उसके बाद उसके अंदर भी आग लग जाती है, वो जलने लगता है। हालाँकि चूँकि लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये मामला आग से जुड़ा था, अगर कोई भी शख्स उसको बचाने जाता तो उस शख्स को भी आग लग सकती थी, वो भी जल सकता था, लिहाजा कोई भी इसको जान बचाने के लिए नहीं गया। हालांकि जख्मी हालत में अधजली हालत में इस शख्स को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीतापुर में रेप के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आपको यहां से ये भी बता दें कि आरोपी सुबह ही वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ था और 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। ये देख सकते हैं आप, ये जो आरोपी है ये रेप का आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस बहुत तेज़ी के साथ कर रही थी और पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और एनकाउंटर के बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। होली मनाने परिजन घर पर नहीं थे, कहीं गए थे और ऐसे में मौका पाकर इसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस बहुत कोशिशों के साथ इसको पकड़ने में जुटी हुई थी और उसके बाद पुलिस की कोशिशें कामयाब हुई मुठभेड़ के बाद ही सही, लेकिन इस शख्स के पैर में गोली लगी है और पैर में गोली लगने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादाबाद से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। आमने सामने से टकराई हैं 2 बाइकें, एक युवक और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। होली मनाने परिजनों के घर आए थे मेनाठेर के ईशागढ़ का, ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर परिजन जो है वो विलाप करते हुए देखे जा सकते हैं। मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों को हमने ब्लर कर दिया है, धुंधला कर दिया है, क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप विचलित हो सकते हैं, लिहाजा इन तस्वीरों को धुंधला कर दिया गया है, लेकिन विलाप करते हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मौके पर हलचल भी आप देख सकते हैं। जी, अपनी मौसी के यहाँ आया था ये होली मिलने के लिए, होली मिल के अपने घर पर जा रहा था। कौन? ये रास्ते में मस्कुला नंगलिया जो पड़ती है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इसका, बाइक से दोनों आमने सामने से। क्या ये यहाँ पे फिर पुलिस वालों को पर सूचना मिली तो पुलिस वाले ये पहुँचे तो वहाँ से ले आए तो मौके पर एक्सपायर हो गए। मथुरा से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, आपस में भिड़ी 2 बाइक हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली के सोनई कस्बे की यह घटना बताई जा रही है, राय कोतवाली बताई जा रही है, उसके सोनई कस्बे की यह घटना है। यहाँ पर भी किस तरह से हलचल है वो देख सकते हैं। मथुरा की खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि दोनों ही बाइकें आपस में टकराई थी और हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो राय कोतवाली के सोनई कस्बे का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सड़क हादसा हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको उन बाइक्स की दिखा रहे हैं जो आपस में टकराई हैं। टकराने के बाद आगे से क्षतिग्रस्त बाइकों को आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रशासन के द्वारा भी अपील की जाती है कि आप डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव यानी कि पीकर आप नशा करके आप किसी भी तरह से वाहन को ना चलाएं और ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जालौन से आ रही है, नशे में धुत दबंगों ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है, सिपाहियों के सामने ही पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी बाकायदा इसका वायरल हो गया है। कदोरा इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर यह पूरा मामला पेश आया है।